तो हम बेहद खूबसूरत दृश्यों के बाद पहुंच चुके हैं जटाशंकर धाम के रास्ते पर, जो कि उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश एंटर होने में छतरपुर जिला पहला जिला पड़ता है, उस जिले में स्थित है जटाशंकर धाम। देवासुर संग्राम के दौरान, देवों और असुरों के युद्ध के दौरान, जब भगवान शिव ने जटेश्वर नाम के राक्षस का वध किया, तो उसके बाद उनका मन बड़ा व्यथित हो गया और उन्होंने निर्णय किया कि इस स्थान पर आकर वो मन को शांत करेंगे। और भगवान शिव जी यहाँ विराज गए, पर चूंकि माता पार्वती यानी गौरी जी उनके बिना नहीं रह सकती थी, इसलिए गौरी माँ उन्हें मनाने आई कि आप चलिए वापस कैलाश पर्वत। इसलिए इस पूरी घाटी को गौराई घाटी के नाम से जाना जाता है। और भगवान शिव जब से यहाँ विराजे हैं, चूंकि उनकी जटा से गंगा जी लगातार बहती हैं, इसलिए इसे जटाशंकर धाम कहा जाता है। तो हम पहुंच चुके हैं जटाशंकर धाम, जो कि अपने आप में सिद्ध प्रसिद्ध और बेहद महत्वपूर्ण है। तो हम चलते हैं बाबा के दर्शन करते। उससे पहले हम आपको एक ऐसे नंदी बाबा के दर्शन कराएंगे जिनके बारे में सुना है, देखा नहीं है मैंने, कि उनके तीन सींग हैं और माथे के बीच में भ्रकुटी है जिसको लोग तीसरी आंख कहते हैं। जब वो एक या दो आंख बंद करते हैं तो उनकी भ्रकुटी खुलती और बंद होती है, पर तीन सींग हैं। आइए जांचते हैं, परखते हैं और बाबा के दर्शन कराते हैं। यू शेप में जो ये दोनों तरफ की घाटी आप देख रहे हैं, इसके ठीक बीचों बीच स्थापित है विराजे हुए हैं भगवान शिव जटाशंकर जी। और चूंकि आज सोमवार का दिन है, दर्शक और भीड़ जो श्रद्धालु हैं उनकी बड़ी ज्यादा है, इसलिए हमारी सुविधा हेतु हमारे साथ स्वयं हैं जटाशंकर धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री अग्रवाल जी, अरविंद अग्रवाल जी। आइए, स्वागत है अरविंद अग्रवाल जी आपका। और सीईओ जेपी खरे साहब, खरे साहब आइए, नमस्कार प्रणाम करता हूँ। तो खरे साहब और अग्रवाल जी हमें परिचय कराएंगे जटाशंकर धाम से और बताएंगे यहाँ के महत्व। ये श्री जटाशंकर धाम विंध्य पर्वत श्रृंखला पर स्थित है और भगवान शिव के दरबार में हाजिरी लगाने वालों की मनोकामनाएं पूर्ण होने के कारण यहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों का निरंतर आना जाना लगा रहता है। विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है वो एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है जिसको आप माउंटेन रेंजेस कहते हैं। ये शुरू होती है विंध्याचल से, मतलब रीवा के उस तरफ से, इलाहाबाद से थोड़े पहले से लेकर और लगभग ये जाती है मध्य प्रदेश के पठारी भाग तक, मतलब सतपुड़ा से थोड़े पहले तक। तो 1000 किलोमीटर से ऊपर की श्रृंखला है जिस पर बहुत ही अधिक सिद्ध देवस्थान है, जैसे कामाख्या अपने विंध्यवासिनी माँ, जटाशंकर धाम उन्हीं दो में से एक है। तो ये अद्भुत दृश्य जो आपने यकीनन अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा होगा, एक नंदी जिनके तीन सींग हैं और प्रत्यक्ष हैं और तीसरी आंख जिसको कहा जाता है, वो दरअसल वो है, पलक है, पर जो वो अपनी दोनों आंखें बंद करते हैं या एक आंख बंद करते हैं तो वो खुल जाती है या ऊपर की तरफ आ जाती है, जो विजिबली तीसरी आंख नजर आती है। तो मैं बड़ा धन्यभागी और सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस स्थान पर मेरा आना हुआ, और मैं उससे ज्यादा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे माध्यम से आप इस दिव्य दर्शन का लाभ ले पा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बेहद अच्छा लगा होगा। तो यहाँ से शुरुआत होती है बाबा जटाशंकर के दर्शनों की यात्रा की। यहाँ से लगभग 300-350 सीढ़ियां चढ़ने के बाद हम पहुंचेंगे बाबा के समक्ष और ये उनका प्रतिरूप। जय भोलेनाथ। सबसे अच्छी चीज ये लगी मुझे इस धर्म स्थान पर आने के बाद कि जब आप पूरी सीढ़ी के रास्ते मंदिर की तरफ जाएंगे तो आपको लगभग हर समाज की धर्मशालाएं, यात्री निवास लगातार मिलेंगे। चलिए, थोड़ी थकान हो रही है इसलिए ऊपर चलकर आपसे बाकी बातें करूंगा। तो फाइनली दिन भर की मेहनत मशक्कत के बाद पहुंच चुके हैं बाबा के दरबार में श्री जटाशंकर धाम। आइए।
जटाशंकर धाम का ये टूटा फूटा सा जो अब आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक समय धर्मशाला थी 1960 के दशक में, जिसे डाकू मूरत सिंह ने बनाया था और सीढ़ियां नहीं बनाई थी, वो रस्सियों के सहारे उतरते थे और भगवान भोलेनाथ की अर्चना आराधना करते थे। लेकिन मूरत सिंह ऐसे नहीं थे, वो बहुत दुर्दांत अपराधी थे, बहुत दुर्दांत डाकू थे, हजारों केसेस उनके ऊपर थे, हत्याओं के, लूट के, डकैती के। बदले में इनको कोढ़ हो गया, जिसको आप सफेद दाग कहते हैं पूरे बदन पर। वो एक बार इधर आए और भोलेनाथ के दरबार में बिना मत्था टेके उन्होंने ये सुन रखा था कि इन कुंडियों के जल से रोग मुक्त हो जाते हैं। उन्होंने तीनों कुंडियों से स्नान किया और उसके बाद वाकई उनके शरीर का कोढ़ और खाज मिट गया। बस उसी दिन से उन्होंने अपराध की गली को छोड़ दिया और भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दिया और मरते दम तक वो यहीं पर सेवा में रहे। चले दर्शन करना। तो फाइनली हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जो जटाशंकर पावन धाम की सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। ये जो तीन कुंड आप देख पा रहे हैं, ये तीनों कुंडों में जल कहां से आता है इसका कोई ज्ञात इतिहास नहीं है, पर मान्यता है कि जड़ी बूटियों से ये जल जो है पर्वतमालाओं से, सुरंगों से, कंदराओं से बहकर अपने आप इधर पहुंचता है और चाहे इसको कितना भी निकाल लो ये कभी खत्म नहीं होता है। और ये भी सुना है कि जो भी इन जल से स्नान करता है उसकी शारीरिक मानसिक बाधाएं दूर होती हैं। तो मैं अग्रवाल जी आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो मान्यता है ये केवल मान्यता है कि सच में भी थोड़ा सा इसका इतिहास है? ये इसका इतिहास बहुत पुराना है और ये प्रमाणिक तथ्य है जी। हम धार्मिक आस्था के वशीभूत भी कह सकते हैं और इस पानी का वैज्ञानिक परीक्षण भी कराया गया है, तो इसमें तमाम औषधीय गुण इस तरीके के पाए गए हैं जिससे लोगों के तमाम शारीरिक जो व्याधियां होती हैं जैसे पेट के विकार है, स्किन डिसीज है, इन सब में बहुत लाभ होता है। मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि जितनी भगवान श्री जटाशंकर जी की महिमा है तो वो भी कहीं ना कहीं माँ गंगा का जो स्वरूप है उस रूप में लोग मानते हैं, और यहाँ आकर इन कुंडियों का जल लेना और चढ़ाना ये दोनों एक दूसरे के जो है परंपरागत। तो भगवान भोलेनाथ को जो जल चढ़ाया जाता है वो यहाँ से लिया जाता है, और जैसा कि यहाँ पट्टी में लिखा था कि बावन त्रिवेणी गंगा के नाम से ये प्रसिद्ध है। बावन त्रिवेणी गंगा ये अनादिकाल से निरंतर प्राकृतिक रूप में झरने के रूप में आता है। और मैंने ये भी सुना है कि जो यहाँ पर जल होता है वो गर्मियों में ठंडा होता है और ठंडियों में गर्म होता है। बिल्कुल, पानी के बारे में जैसी मान्यता है कि जो गहराई वाले जो जल स्रोत होते हैं उनमें जो गुण होते हैं कि आप ठंडियों में जो गर्म पानी रहेगा और गर्मियों में ठंडा पानी, वो इस प्राकृतिक स्रोत में है। बेहद उपयोगी जानकारी जो अग्रवाल जी ने हमें दी। तो आइए, चूंकि अब कैमरे की, शरीर की दोनों बैटरीज थोड़ी थोड़ी मध्यम हो रही है, तो मैं आपको भगवान भोलेनाथ का दर्शन कराता हूं और इस एपिसोड की समाप्ति करता हूं। तो मैं भी ये सौभाग्य प्राप्त करता हूं, भगवान भोलेनाथ को ये जल अर्पित करता हूं। बोलिए जटाशंकर भगवान की जय। ओम सहस्रा दीर्घा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपादा शभो विश्वं सर्वाविस्तृतवाद्यातिष्ठत्तशाङ्गुलं मत् पुरुष एवेदकम् सर्वन्यथोदं दुर्गवाभ्यं मा उपारोगीपतये हर हर महादेव। भोले बाबा जटाशंकर धाम का जो प्रसाद बनता है, जो उसकी निर्माण सामग्री होती है, उसमें शुचिता का, साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखा जाता है। जो यहाँ का भोग प्रसाद होता है वो होता है कलाकंद। कलाकंद एक दूध और खोए से बनी हुई मिठाई होती है जिसको बहुत शुद्धि के साथ बनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारे महाराज जी जो बना रहे हैं, हम उनसे जानते हैं कि ये इसकी विधि क्या है और उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम? हरगोविंद तिवारी। हरगोविंद तिवारी पंडित जी प्रसाद का निर्माण कर रहे हैं और बहुत शुद्ध, जैसे कि देख सकते हैं चप्पल जूते किसी भी तरह का यहाँ पर प्रवेश वर्जित है, किसी भी तरह की झूठी चीज नहीं यहाँ पर इस्तेमाल की जा सकती है। आप बताएंगे कि इसमें क्या क्या डाला और मिलाया जाता है? इसमें पहली नंबर खोआ डाला जाता है जी, फिर इसके बाद शक्कर डाली जाती है जी, फिर उसके बाद इलायची है जैसी अपनी डोड़ा है, और डोड़ा इलायची मतलब बड़ी वाली इलायची, और गरी है नारियल की गरी, जो नारियल का मिक्सचर होता है, खोआ, दूध, नारियल की गरी, दौड़ा, इलायची और दूध, चिरौंजी दाना और जी, और कोई काजू वगैरह थोड़ी थोड़ी लगा देते हैं ऊपर, काजू ड्राई फ्रूट्स डाल के। इसको कितनी देर लगभग भूनते हैं आप? उसको भूनते हैं हम करीब एक घंटा की लगभग। एक घंटा जी। तो आप देख सकते हैं ये प्रोसेस जो अग्नि पर पक रहा है इस समय, और इसका स्वाद कैसा है वो मैं अभी आपको खाकर बताऊंगा। है अद्भुत दिखने में भी,
और खुशबू में भी है। तो आ चुका है हमारा कलाकंद, भगवान को भोग लगने के बाद भक्तों का प्रसाद। मैं स्वाद देखकर आपको बताता हूँ कि कैसा लगता है। देखिए, मिठाई के रूप में जैसा है, अद्भुत है, कम अच्छा है, बहुत अच्छा है, शानदार है, ये आप तय करेंगे। पर यकीन मानिए, भगवान का भोग लगने के बाद ये मीठा है, लाजवाब है, अद्भुत। भगवान भोलेनाथ के दिव्य दर्शनों के बाद, उनके अभिषेक के बाद, नाग देवता के दर्शन के बाद और दिव्य कलाकंद के प्रसाद के बाद अब शरीर चाहता है विश्राम। इसलिए मैं जा रहा हूँ अब अपने होटल, ताकि मैं सो सकूँ, तरोताजा हो सकूँ और आपसे मुलाकात करूँ अपने नए एपिसोड में, नई लोकेशन पर। अपने एंकर पीयूष सुहाने को आप दीजिए विदा। धन्यवाद, थैंक यू, प्रणाम। Thank you.